वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ सीरीज़ हारने के बाद पाकिस्तान से आए बड़े बड़े बयान क्या कुछ कहाँ है, पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने भारतीय टीम के बारे में बताएंगे आपको इस वीडियो में। आगे तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहे। फिलहाल अभी भारत और वेस्ट इंडीज़ के बीच 5 मैचों की सीरीज़ खत्म हुई है, जिसमें भारतीय टीम को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा है और 3-2 से भारतीय टीम इस सीरीज़ में हार गई है। और अब भारतीय टीम की सीरीज़ हारने के बाद क्रिकेट जगत में भारतीय टीम का काफ़ी मजाक भी बनाया जा रहा है कि भारत की टीम के पास सबसे बड़ा क्रिकेट बोर्ड है और सबसे ज़्यादा पैसे वाला बोर्ड है। उसके बावजूद भी टीम वेस्ट इंडीज़ जैसी टीम से हार रही है और उसी में दोस्तों आग में पेट्रोल डालने वाले बयान दिए हैं। पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने तो दोस्तों पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने कहा है कि यह भारत की टीम इस वक्त दुनिया की मजबूत टीमों का सामना करने के लिए तैयार नहीं है। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और पाकिस्तान के खिलाफ यह टीम बहुत ही साधारण नजर आती है। वहीं दोस्तों पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी ने कहा है कि हार्दिक पांड्या तो कह रहे थे कि हम 3 टीम बनाकर भी दुनिया का कोई भी टूर्नामेंट जीत सकते, लेकिन भारतीय टीम अभी वेस्टइंडीज को भी नहीं हो रहा पा रही। और दोस्तों आखिर में पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने बताया है कि अगर ऐसी ही टीम एशिया कप में हमें मिली तो हमें भारत को हराने में काफी आसानी हो जाएगी। दोस्तों कुछ ऐसे बयान थे जो कि पाकिस्तानियों ने भारतीय टीम की वेस्टइंडीज के खिलाफ मिली शर्मनाक हार के बाद दिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट में अपनी राय देना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।